वेलकम बैक टू फ्यूचर जॉब अलर्ट। न्यू रिक्वायरमेंट आई है आपकी, उत्तर प्रदेश रेल मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के अंदर वैकेंसीज आई हैं। यूपीएमआरसी के अंदर आपके वैकेंसीज हैं, यूपी मेट्रो के अंदर जो है एलएमआरसी यूपी मेट्रो वेरियस रिक्वायरमेंट 2022 की वैकेंसीज रहेंगे आपकी। अवेयर के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होंगे, आपको फॉर्म अप्लाई करने होंगे। अप्लीकेशन जो आपकी स्टार्ट हो जाएगी 1/11/2022 से आपकी अप्लीकेशन स्टार्ट होगी। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए काफ़ी कीमती रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर्म का लिंक और व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हो। अब जो है आपकी वेरियस जो वैकेंसीज रहेंगे हम उस पर चर्चा करेंगे, क्या क्या वैकेंसीज हैं, कब से कब तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। आपकी एप्लीकेशन जो है 1/11/2022 से आपकी स्टार्ट होगी, और जो आपकी लास्ट डेट जो फॉर्म की रहेगी वो 30/11/2022 आपके फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। क्या रहेगी आपके फॉर्म की लास्ट डेट? 30/11/2022 आपके फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। एज लिमिट क्या रहेगी? 1/11/2022 के अनुसार एज लिमिट रहेगी। मिनिमम एज आपकी इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए 21 साल आपकी मिनिमम एज रहेगी, और मैक्सिमम एज जो है 28 साल रहेगी। इसमें मैक्सिमम एज कितनी रहेगी आपकी? 28 साल, मिनिमम आपको 21 साल का होना जरूरी है। फीस, फॉर्म फीस जो है जनरल AWS और OBC के लिए 590 रुपये की फॉर्म फीस रहेगी आपकी। जनरल AWS OBC SC ST के लिए आपको 236 रुपये पे करने होंगे, SC ST के लिए आपको 236 रुपये पे करने होंगे। और जो फॉर्म के जो आपकी टोटल पोस्टें हैं वो 142 टोटल पोस्टें रहेंगी आपकी। कितनी पोस्टें टोटल रहेंगी? 142 टोटल पोस्टें रहेंगी। 590 रुपये आपके जनरल की फीस है, 236 रुपये आपके SC ST की फीस है। जो यूपी मेट्रो में जो वैकेंसी की जो डिटेल रहेगी आपकी, कौन सी वैकेंसी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, किस किस प्रकार से रहेंगी, वो इस प्रकार से रहेंगी। अकाउंटेंट असिस्टेंट की आपकी 2 पोस्टें रहेंगी, जो कि आपको बैचलर डिग्री इन कॉमर्स के साथ की होनी चाहिए। और ऑफिसर असिस्टेंट के लिए आपको 1 वैकेंसीज होगी, ऑफिसर असिस्टेंट एचआर के लिए आपको 1 वैकेंसी होगी, जो कि आपकी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम के अंदर आपको किसी के भी द्वारा आपको बैचलर डिग्री की होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर जो है सिविलियन की आपकी 16 पोस्टें रहेंगी, जिसमें से आपको BA BTEC की डिग्री इन द सिविल इंजीनियरिंग में आपको डिग्री की होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिशियन के लिए आपकी 8 पोस्टें रहेंगी, जिसमें आपके BA BTEC डिग्री इन सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको डिग्री की होनी चाहिए। और जो है आपकी असिस्टेंट मैनेजर SC एंड ST की 5 वैकेंसीज रहेंगी, जो कि BE BTEC डिग्री इन इलेक्ट्रिकल कॉमर्स कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिशियल इंजीनियरिंग की पोस्ट आपको जो है क्वालिफिकेशन की भी होनी चाहिए। बचेगी आपकी पोस्टें असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट बचेगी 1, जिसमें आपको CA का एग्जाम पास होना चाहिए आपका। और आपको जूनियर इंजीनियरिंग इन सिविल के लिए 43 पोस्टें रहेंगी, जिसमें आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपको डिप्लोमा किया होना चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग इन सिविल की 43 होगी, और जूनियर इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल की 49 पोस्टें रहेंगी, जो कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको डिप्लोमा किया होना चाहिए। और जूनियर इंजीनियरिंग SNT के अंदर 17 पोस्टें रहेंगी, जिसमें से आपको इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के द्वारा आपको इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में। इस प्रकार ये आपकी टोटल 142 पोस्टें हो जाएंगी। और किसी भी प्रकार को अगर आपको भर्ती की कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए हो तो आप हमारे चैनल फ्यूचर जॉब अलर्ट को सब्सक्राइब करें, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर हम समय समय पर कोई भी भर्ती वगैरह उसकी इन्फॉर्मेशन, ऑफलाइन फॉर्म और ऑनलाइन फॉर्म वगैरह आते हैं, उनकी PDF वगैरह हम डालते रहते हैं। तो थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।